जी का खालसा बैगो जी की फतेह। चिंता काहे कीजिए जोन होनी होए ए मार्ग संसार के नार्क थे ना कोए। सत्कार जोग जज साहिबान मेरे अज दे बोलन दा विशा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी लासानी साधक। श्री गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म 1 अप्रैल 1621 दिन ऐतवार नु माता नानकी जी दी कुखो अमृतसर बैठे होया। औरंगजेब दे जन्म दा शिकार बने कश्मीरी पंडतां दी फरियाद किसे पासे ना सुनी गई ता 16 कश्मीरी पंडित सिख आगू कृपा राम दी बाण फड़ के गुरु साहिब दे दरबार विच आ फरियादी होए। कश्मीरी ब्राह्मणा ने गुरु साहिब नु दस्या कि असीं बहुत सारे हिंदू थावां तों हो आए आ पर सानू कोई बॉडी नहीं होया। हुण साडी आखरी आस सिर्फ गुरु नानक साहिब दा दारा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ब्राह्मणा दी नीमो झूलता देख के उन्हां नु कहा कि बाबे नानक दे दर ते कोई खाली नहीं जांदा। वाहिगुरु तुहाडी मदद करनगे। जाओ सूबेदार नु आख दिओ जो गुरु तेग बहादुर जी नु मुसलमान बना लवे ता सारे कश्मीरी पंत मुसलमान बन जाणगे। गुरु जी दी गल सुन के ब्राह्मणा दी जान विच जान आई। गुरु जी ने कहा इस समय किसे महान आत्मा दी कुर्बानी दी लोड है। सिर्फ कुर्बानी नाल ही डुबदे होए धर्म नु बचाया जा सकदा है। आप जी दे बचन सुन के पूरे दरबार विच सन्नाटा सा गया। इस समय बाल गोविंद राय जी ने कहा आप अपना बलिदान दे के इन्हां दे डुबदे होए धर्म दी रक्षा करो। अपने बाल दे निक्के जेह नूं ओह एड्डी वड्डी गल सुन के आप हिंदू धर्म दी रक्षा लई अपने सिखां नाल दिल्ली वल कुर्बानी दे लई चल पए। औरंगजेब ने आप जी नूं सलाम कबूलना लई प्रेरिया पर गुरु जी ने उस दी उम्मीद दे उल्ट उत्तर दित्ता कि धर्म जबरदस्ती तलवार आदि नौकते नहीं बदलाया जा सकता। औरंगजेब तेरे इस जन्म नूं ठल पा लई अते मासूम हिंदुआं दी रक्षा लई असी मैदान विच नितरे आ। तू तां बादशाह होण दे नाते अपनी प्रजा तों ही मूंह मोड़ी बैठा पर असी इन्हां मजलूमां दी बांह पकड़ लई है। बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दी जवाना छोड़ी है ते आप अटल रहे। इस प्रकार गुरु जी नूं चढ़दी कला विच अते उन्हां दे लाम ना कबूलां दे अटल निश्चा नूं वेख के औरंगजेब गुस्से विच कंब उठिया। कुर्बानी लई तैयार गुरु जी नूं वेख के उसदे मन सुब्बां दीआं नीहां हिल गईआं। अपनी इसार नूं वेख के उसने अर्ध सिपाहियां नूं हुक्म दित्ता कि गुरु जी नूं लोहे दे पिंजरे विच बंद कीता जावे अते इन्हां दे मुरीदां नूं तसीहे दर दे के मार दित्ता जावे। औरंगजेब दे हुक्म अनुसार पहला भाई मती दास जी नूं आरिया नाल चीरा गया। भाई दयाला जी नूं उबलदी देग विच सुट दित्ता गया। भाई सती दास जी नूं रूह विच लवेट के शहीद कर दित्ता गया। जिस नूं वेख के गुरु जी डोले नहीं सगों उन्हां दा शिरक होर भी अडोल हो गया। अंत मिति 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं चांदनी चौक वेखे कर जी ने फतवा पढ़िया। जलाल जलालू ने तलवार नाल वार कीता और गुरु जी दा शीश धन नाल अलग हो गया। पर अपने मुसी ना उचारी आप जी दी लासानी साधत नाल दिल्ली दा दिल कंब उठिया अते लोकां दीआं चीकां नाल असमान चीरिया गया। साई अधे सी कि गुरु जी दे श्री दे टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली शहर दे दरवाजा उत्ते लटकाए जाण। पर शहीदी तो तुरंत बाद अजिही हनेरी चुल्ली कि साए आपो अपने बचा लई भज उठे। भाई जाता जी सिपाहियां तो अख बचा के गुरु जी का शीस लैके आनंदपुर साहब पहुँच गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जाता रतरेटा गुरु का बेटा भर दिता। गुरु जी का धन भाई लक्खी साहब बंजारा अपने घर लै गया। उसने अपने घर नूं अगन भेट करके गुरु जी दे श्री दा दाह संस्कार किया। ऐसे गरीब रिवाज धर्म लखवाले सतगुर श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब की सारी संगत नूं लख लख बधाई होवे जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।